दोस्तों आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM के डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन डिफरेंस समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होता क्या है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ रिलेशनशिप मार्केटिंग ही क्यों, ये भी तो जानना होगा कि CRM क्या होता है। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप इस चैनल पे नए हैं इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि CRM की एक पूरी सीरीज अवेलेबल है इस चैनल पे और नई नई वीडियोस डालते रहते हैं CRM से रिलेटेड। आप हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है CRM की उसमें व्हाट इज CRM वाली वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सक्सेस ज्ञान। सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है। रिलेशनशिप के नाम पे कई लोगों के कान अच्छे से खुल गए हैं। समझ रहे हो ना, ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं है। चलिए समझते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी है जो कस्टमर रिटेंशन, सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू पे फोकस करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा चलो सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में एक शॉर्ट टर्म प्रोफाइल की बजाय कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल मार्केटिंग की तरह ऐसा नहीं सोचा जाता कि बस कस्टमर को कैसे भी करके प्रोडक्ट्स बेच दो, अपना काम खत्म। एक्चुअली ये गलत तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कस्टमर आपके पास आया और कस्टमर से आप ये कहें कि मेरे ये प्रोडक्ट्स आप खरीद लो, जैसे तैसे उस टाइम आपने उसको कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट्स बेच भी दिए। बट अब ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है। सुबह सुबह पहला कस्टमर आया और आपने उसको सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स सेल भी कर दिए, बट अब वो दोबारा आएगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए कस्टमर मार्केटिंग में कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, कस्टमर के ट्रस्ट को विन करना इसकी कोशिश की जाती है। एक इमोशनल बॉन्ड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है ताकि वो आगे फ्यूचर में भी आपके यहाँ आने में कंफर्टेबल फील करे। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी तरह सोचो कि कस्टमर आपके यहाँ आया लेकिन आपने उसको प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए कन्विंस नहीं किया, आपने कोई उसको प्रेशर नहीं किया, बल्कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको एजुकेट किया, उसकी डिमांड एंड उसकी कन्फ्यूजन को समझा एंड कन्फ्यूजन को दूर किया। आपने कहा कि आप मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही यूज करके देखिए एक बार के लिए, उसके बाद कभी परचेज करने का मन हो तो तभी परचेज कीजिएगा, या आप किसी भी सिनेरियो में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाईफाई के केस में आप फ्री में एक मंथ का वाईफाई देते हैं, है ना। कई कंपनियां आपने देखी होंगी कि फ्री में वाईफाई देती हैं कि एक महीने आप यूज करके देखो, उसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अगर एक बार आपने उनके सर्विसेज को यूज कर लिया तो उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ अपने आप से ही उस चीज की डिमांड करने लगेंगे। अब ऐसे में कस्टमर भले ही उस टाइम आपके प्रोडक्ट्स ले या ना ले, लेकिन वो आपकी शॉप में अपनापन फील करेगा और उसे दोबारा कभी उस टाइप के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपके यहाँ ही आने वाला है। और तो और, वो दूसरे लोगों को भी लेके आएगा, यानी खुद लीड भी जनरेट करके देगा, एक तरह से सेल्समैन का काम भी करेगा। गाइस, आजकल के टाइम में ये स्ट्रेटजी काफी यूज की जाती है। जैसे कई यूट्यूबर आपको फ्री में एजुकेट करते हैं और कहते हैं कि आपको अगर हमारी टीचिंग्स पसंद आए तभी हमारा पेड कोर्स परचेज कीजिएगा। ऐसे ही हम लोग भी स्टॉक मार्केट का कोर्स देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सिंपल वे में चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स में जो कंसेप्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो अच्छे से सिखाए जाते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, स्ट्रेटजीज आपको बताई जाती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कोई स्वीट्स की शॉप में आप जाते हैं तो शॉपकीपर एक गुलाब जामुन टेस्ट करने के लिए कह देता है, ये गेस्चर हो जाता है आपका। या फिर और भी आप किसी शॉप में जाते हैं तो वो आपको टेस्ट करवा देते हैं, कुछ एक डेमो दे देते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो ये गेस्चर कस्टमर की लॉयलिटी को बढ़ा देता है। तो ओवरऑल क्या बेनिफिट्स रहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के, आइए जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कस्टमर।
देखो, किसी कंपनी के लिए बार बार नए कस्टमर जुटाना आसान नहीं होता, तो एटलीस्ट इतना तो करने की कोशिश करें कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो तो रिटेन रहे ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि और ज़्यादा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में पुराने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो हाथ से निकल जाए। न्यू कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर। इसीलिए रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू पुराने कस्टमर से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया जाता है। दूसरा बेनिफिट है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी मार्केटिंग जो होती है वो वर्ड ऑफ माउथ अगर हो रही है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके ब्रांड से, तो वो इसको अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी रेफर करेगा। एक कस्टमर के थ्रू कई कस्टमर्स आएंगे, आपको कस्टमर्स खींच के लाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही खींचे चले आएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एक बार अगर कस्टमर से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया गया, उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे ही, उसे भरोसा होगा आपके ब्रांड पे। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से वर्स कंडीशंस में भी कस्टमर्स आपके साथ रहते हैं। तो वर्स कंडीशन से एक और पॉइंट बनता है, जैसे कि सपोर्ट इन बैड टाइम्स। अगर कस्टमर के साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेते हैं कि वो आपके ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए, तो वो कंपनी के बैड टाइम्स में भी कंपनी के साथ रहता है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसा मैगी के केस में हुआ था। जिस मैगी नूडल्स को आप बड़े चाव से खाते हैं, उसमें लेड जैसे जहर की मात्रा तय सीमा से 7 गुना ज्यादा होती है। कि इसमें लेड की मात्रा सामान्य से 7 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि इसका लगातार सेवन बच्चों की जिंदगी को खतरा पैदा कर सकता है। रात को सोनू जब दबे पाँव आकर मैगी बनाता था, मुझे पता होता था माँ के कान से कभी छुपती है कोई आहट, पर उसे करने देती थी। बच्चों को थोड़ा तो स्पेस देना चाहिए, और फिर तसल्ली रहती थी कि भूखे पेट तो नहीं सो रहा है ना। पर जब मैगी पे सवाल उठे, तो मुझे लगा क्या कुछ गलत खा के सोने दे रही थी उसे, वो भी इतने सालों से। आज सुना, हर टेस्ट में यही निकला है, सब ठीक है हमारी मैगी में। मैगी ही नहीं, ऐसे लग रहा है मैं भी पास हो गई। जब FSSAI की जो टेस्टिंग होती है, फूड सेफ्टी की जो टेस्टिंग होती है, उसमें जब मैगी फेल हुई थी, उस टाइम इसमें MSG जो कंटेंट होता है, जो हेल्थ के लिए सेफ नहीं होता, हार्मफुल होता है, तो वो मिला था। तो एक बार के लिए मैगी की इमेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बट कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप की वजह से आज मैगी ने अपना प्लेस दोबारा से बना लिया है। उसी प्लेस पे वो जा चुकी है जो उसका पहले था। अभी वो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग नूडल्स वापिस से बन चुकी है। नेक्स्ट है वैल्यूएबल फीडबैक। अगर कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और वो आपके ब्रांड के साथ खुश है, तो ही वो आपको वैल्यूएबल फीडबैक देता है। कभी आपके प्रोडक्ट्स में उसे कोई इम्प्रूवमेंट की नीड होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो नाराज होके दूसरे ब्रांड्स के पास नहीं जाएगा, बल्कि आप ही को अपनी जो फीडबैक है, जो प्रॉब्लम है, वो बताएगा, उसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन कंपनीज के पास इस तरह का लॉयल कस्टमर बेस होता है, वो अपने बाकी कंपटीटर्स से हमेशा आगे रहती है। चलिए अब रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड CRM के डिफरेंस को जान लेते हैं। आँखों को उसी का इंतजार है। तो आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आ ही गया है। CRM सप्लायर एंड कस्टमर के रिलेशनशिप पे फोकस करता है। वहीं रिलेशनशिप मार्केटिंग में बायर एंड सेलर के रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग जहां एक स्ट्रेटजी है, वहीं CRM एक टूल है। यानी CRM एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वहीं रिलेशनशिप मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू कस्टमर से लॉन्ग टर्म के लिए एक इमोशनल बॉन्ड बिल्ड किया जाता है। अब CRM में कम्युनिकेशन के लिए ईमेल, फैक्स,
टेलीफोन एंड SMS एटसेट्रा का यूज किया जाता है, वहीं रिलेशनशिप मार्केटिंग में कोड ऑफ एथिक्स ही कम्युनिकेशन का सोर्स होता है। मतलब कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, अच्छा गेस्चर दिखाने के लिए SMS एंड फैक्स थोड़ी ना किया जाएगा। इसके लिए तो अपने ब्रांड की एक इमेज बनानी पड़ेगी। एक ब्रांड का नाम लेते ही आपको उसकी इमेज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिटोल की बात करूंगा तो आपके माइंड में जो इमेज बन रही है वो उस डिटोल ने अपने इमोशंस जो कस्टमर्स के अपने ब्रांड के साथ अटैच किए हुए हैं उस इमेज की यहाँ पे बात हो रही है, उसे एक रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको CRM से रिलेटेड और नॉलेज लेनी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके CRM की दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन यार अगर एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग बनानी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक तो करना बनता है। चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।